गाइज वेलकम टू माई चैनल और आज मैं आपसे अपने शेयर करने वाली हूँ एक फाउंडेशन का रिव्यू जो कि उड़ता सा आया है लैक्मे 925 नेचुरल जो रेंज है उसमें से. नाउ अगर मैं इस लैक्मे की जो नई रेंज है वो लॉन्च हुई है अबाउट अ मंथ अगो, लाइक काफी टाइम हो गया है तो बट आई एम नॉट दैट लेट है ना. तो मैं रिव्यू करने वाली हूँ लैक्मे 925 नेचुरल बाई फेस फाउंडेशन ड्रॉप्स जो कि है इन्फ्यूज विद एलोवेरा एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट. बहुत सारे लोगों ने इस रेंज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे मुझसे रिव्यू मांगा था तो एक रिव्यू की रिक्वेस्ट यहाँ पे फिनिश होती है. आगे आपने कुछ एक प्रोडक्ट्स ट्राई किए हो तो प्लीज आपको जो रिकमेंडेशन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कोमल ये ट्राई करो अच्छा है या वो ट्राई करो अच्छा नहीं है. एनी विच वेज मैं दोनों ही ट्राई करने वाली हूँ दोनों केसेस में. चलिए स्टार्ट करते हैं. सारे पैरामीटर्स में हम देखेंगे क्या ये फाउंडेशन प्राइस वाइज अच्छा है, पैकेजिंग कैसी है, सारे पैरामीटर्स जिसकी फॉर्मूला क्या है, इसका बिल्डअप कर सकते हो इसको नई कवरेज कैसी देता है, सारी चीजें क्या आपको लेना चाहिए या नहीं इस प्राइस पॉइंट पे जो कि है आगे बताते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक वाला वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी और बेल बटन को पक्का हिट करना वरना आपको आगे की वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे. ओके सो हम डिटेल में बात कर ले रहे हैं लैक्मे 925 नेचुरल बाई फेस फाउंडेशन ड्रॉप्स इन्फ्यूज्ड विद एलोवेरा एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स. सो कमिंग टू देयर पैकेजिंग इट्स झकास. ओके सो इनकी पैकेजिंग जैसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम लास्ट पे भी जाएंगे लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज देयर पैकेजिंग जो कि बहुत ही ब्यूटिफुल है. आई मीन लुक एट द ओम्ब्रे कलर कॉम्बिनेशन विच इज ऑफ रोज गोल्ड एंड ग्रीन. बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है. आई रियली लव द पैकेजिंग जस्ट द कार्डबोर्ड पैकेजिंग. आगे आपको दिखाती हूँ. जब आप उसको निकालते हो तो ये आता है इस तरीके की ग्लास बॉटल में. नाउ आपको हल्का सा लग रहा होगा कि ये इतना छोटा सा है. यस इसकी जो जो बॉटल है वो बहुत ज़्यादा पतली है और ये ग्लास बॉटल है जो कि गिर सकती है तो आपका पूरा पैसा गया. सो इसका कैप भी आता है उसी कलर कोडिंग के साथ में जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. इसकी जो क्वांटिटी आपको मिलती है दैट इज़ 18 ml. अब हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 500 rupees जो कि अभी आपको किसी भी वेबसाइट पे डिस्काउंट पे पक्का नहीं मिलेगा. अगर मैं शेड अवेलेबिलिटी की बात करूं तो इसमें जो मेरा शेड है दैट इज 02 रोज सिल्क. इसमें आपको मिलते हैं टोटल 4 शेड्स. सिर्फ दो ही शेड जो कि है नेचुरल आमंड और सिल्की गार्डन, ये दो शेड ऐसे हैं जो कि व्हीटिश स्किन टोन को मैच कर सकते हैं. हालांकि जो रिच इंडियन स्किन टोन्स हैं या फिर जो डीप स्किन टोन है उनके लिए कोई शेड ही अवेलेबल नहीं है. मतलब ऐसे कैसे आप लैक्मे हो, आप लीडिंग कॉस्मेटिक ब्रांड हो जिसको हम लोग इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो हमेशा फाउंडेशन के मामले में ऐसा लोचा क्यों. चाहे आप लैक्मे का कोई सा भी फाउंडेशन उठा के देख लो कहीं पे भी आपको डीप स्किन टोन के लिए कोई शेड ही नहीं मिलेगा. एनीवेज तो हम इसको देखते हैं इसका टेक्सचर कैसा है, कंसिस्टेंसी क्या है, फॉर्मुलेशन क्या है, किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, क्या मैक्सिमम कवरेज आपको देता है और कितने टाइम तक के लिए आपके चेहरे पे टिका रहता है. चलिए स्टार्ट करते हैं डेमो पार्ट से. आपको स्टार्ट करना है क्लेंस फेस पे. और अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ की तो इसको आप यूज कर सकते हैं कितना टाइम, 18 महीने मतलब 1.5 ईयर. और सबसे पहले मैं प्राइम कर रही हूँ मेरे फेस को यूजिंग अ कलर बार प्राइमर. ये प्राइमर लिया पे काजल लग गया है शायद. सो प्राइमर को अपने टी जोन पे अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी ताकि मेरे जो पोर्स हैं वो बिल्कुल ब्लर हो जाएं और फाउंडेशन को हम अच्छे से टेस्ट कर पाएं. पैकेजिंग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. आपको यहाँ पे कोई सा भी ड्रॉपर नहीं मिलता है. और अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूं तो ये है बहुत ज्यादा रनी. ऑलराइट सो अगर मैं फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये एक्सट्रीमली रनी है. मतलब अगर आप इसको स्पॉन्ज से यूज करोगे ना तो आपके फेस पे कुछ लगेगा ही नहीं, सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो स्पॉन्ज सोक कर लेगा. तो बेटर है आप इसके लिए ब्रश यूज करें और बिल्कुल रनी है. मतलब इसको मैंने थोड़ा सा भी यहाँ छोड़ा ना तो ये बिल्कुल ऐसे बह ही जाएगा. तो बेटर मैं इसको अप्लाई ही कर लेती हूँ पहले. कंसिस्टेंसी मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुकी है जो कि बिल्कुल रनी है. अभी मैं यहाँ पे 2 मिनट और बोल रही तो ये फाउंडेशन मेरी स्किन में ही चला जाएगा, मतलब रहेगा ही नहीं कुछ. तो नुकसान नहीं खाती हूँ मैं. सबसे पहले बात कर लेती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस की. तो इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे काफी अच्छा लगा. बहुत ज्यादा माइल्ड है. नाउ माइल्ड इन द सेंस कि बहुत ज्यादा फाउंडेशन में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनमें जो परफ्यूमी स्मेल होती है वो उनको अच्छी नहीं लगती. नाउ क्योंकि इसमें है ग्रीन टी और एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट्स तो ये हल्का फुल्का सा स्किन के प्रोडक्ट की तरह स्मेल कर रहा है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा. ये ऐसा पहला फाउंडेशन होगा जिसकी ऐसी थोड़ी सी खुशबू है. मतलब यहाँ पे इसके पूरे नंबर हैं.
चलो मैं इसको अप्लाई करती हूँ ना. मैंने आपको बताया कि इसके लिए मैं जो ब्लेंडर है उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, सारा प्रोडक्ट इसी में चला जाएगा. मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ये वाला जो प्यूना स्टोर का मेरे पास मेकअप ब्रश है वो, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी. बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छे खासे ये वाले ब्रशेज हैं, बहुत टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ, वर्थ द प्राइस. और मैं यहाँ पे ये जो फाउंडेशन है इसको एक जो फ्लैट टॉप काबुकी ब्रश होता है इसकी हेल्प से अपने फेस पे बफ करने वाली हूँ. ऑल राइट, सो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी है ताकि आपको क्लियर आइडिया रहे. सो यहाँ पे ये फाउंडेशन मैं अपने स्किन पे लगा देती हूँ. बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लग रहा है और मेरे फेस पे अच्छे से यू नो मेरा फेस भी कवर नहीं हो पा रहा है. मतलब इसको ब्लेंड कर लेती हूँ इसी ब्रश की हेल्प से. आपको जो ब्रश है उसको ऊपर से नीचे की तरफ चलाना है. नाउ एक चीज़ मुझे मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल एक लिक्विड कंसिस्टेंसी का है, बिल्कुल रनी है, तो ये आपके स्किन पे अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है और ज़रा भी हैवी नहीं लग रहा. ऑल राइट, सो मैंने फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है. नाउ अगर आप अभी देखेंगे तो ये फाउंडेशन जरा सा एशी लग रहा होगा जस्ट बिकॉज इट हैज SPF, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये ऑक्सीडाइज्ड होगा मेरी स्किन पे. अगर मैं कवरेज की बात करूँ, जो कि है सबसे मेन चीज व्हेन इट कम्स टू फाउंडेशन, कवरेज इज शेयर. मतलब कोई कवरेज ही नहीं है. आपको मैं नजदीक से दिखाती हूँ, वन सेकेंड. ओके, सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मैंने आईज के ऊपर भी इसको लगाया है, कोई कवरेज नहीं है. और इस साइड पे भी, यहाँ पे जो मेरे फेस पे हल्के हल्के से मार्क्स हैं वो भी एज इट इज हैं, 1% भी ये हाइड नहीं हुए हैं. बिल्कुल लाइट वेट है लेकिन इसकी कवरेज भी बिल्कुल वैसी ही है. आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, मैं बोलूंगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी स्किन से बिल्कुल सेपरेट होने लग जाता है जब आप इसको सेकेंड लेयर में बिल्ड करने स्टार्ट करते हैं. तो मैंने यहाँ पे कोशिश करी थी लेकिन वो फाउंडेशन बिल्कुल अलग हो रहा था मेरी स्किन से, तो दैट वॉज लाइक वेरी डिफिकल्ट. पूरे फेस पे इस फाउंडेशन का लुक देखने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर. नाउ यहाँ पे आपको ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूजिंग दिस फाउंडेशन एज अ कंसीलर, क्योंकि बिल्कुल लिक्विड ही है, बह जाएगा. तो मैं यहाँ पे मेबिलिन का यूज कर रही हूँ और उसके बाद हम इसको सेट भी करेंगे. और सेट करने के लिए भी मेरे पास इसी सेम रेंज का कॉम्पैक्ट भी है. ऑल राइट, सो आई एम डन अप्लाइंग दिस कंसीलर और इसकी हेल्प से मैं अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर रही हूँ. और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये हल्का सा एशी लग रहा था यू नो इनिशियली, लेकिन अब आप देख सकते हैं मेरा नेक और मेरे फेस पे ज़्यादा फर्क नहीं है. ऑल राइट, सो कंसीलर और फाउंडेशन दोनों हो चुके हैं. अब इसको फाइनल फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ ये लैक्मे 95 नेचुरल फिनिशिंग पाउडर, जो कि अगेन है इन्फ्यूज विद एलोवेरा एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स. सो ये कुछ इस तरीके का आता है. दिस अगेन लुक्स वेरी लग्जूरियस, आई रियली लव द पैकेजिंग. और इस पर भी अगर आप मुझे बोलेंगे आई विल गिव यू अ सेपरेट रिव्यू ऑन दिस. मैं इसको पहली बार अभी यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं लाइक ओके. This powder looks really amazing. Difficult हो रहा है. I would rather go ahead with a face brush. मैं एक बार अपने पूरे फेस को भी सेट कर लेती हूँ इसी से. जल्दी जल्दी करते हैं. लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, ताकि आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाए कि आपको ये फाउंडेशन लेना चाहिए या नहीं. प्रो नंबर वन है इसकी स्मेल. मुझे इसकी स्मेल काफी अच्छी लगी. ये स्मेल करता है मोर लाइक अ स्किन के प्रोडक्ट रादर देन अ कॉस्मेटिक फाउंडेशन, जिसमें होती है यू नो ज्यादा से ज्यादा बोल्ड परफ्यूमी स्मेल. इसमें बिल्कुल भी वैसा नहीं है. प्रो नंबर टू, जस्ट बिकॉज इसमें है ये दोनों इंग्रीडियंट्स जो कि है एलोवेरा और ग्रीन टी, ये आपके स्किन को काफी अच्छा खासा हाइड्रेशन देते हैं. तो अगर आपकी है ड्राई स्किन जस्ट लाइक मी, आपको ये काफी अच्छा हाइड्रेशन भी देता है. इसके लिए आपको अलग से मॉइस्चराइज करने की भी शायद जरूरत ना पड़े. प्रो नंबर थ्री है, अगर आप चाहते हैं एवरीडे लुक के लिए ऐसा फाउंडेशन जो कि आपकी स्किन को वेल मॉइस्चराइज भी करके रखे, हाइड्रेशन भी दे और उसमें हल्की फुल्की कवरेज भी हो, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं. कॉन्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला है इसकी पैकेजिंग अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मूला. इसका जो फॉर्मूला है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल रनी है. आप आपके हाथ पे लोगे बिल्कुल ऐसे फैल जाएगा, आप लगा नहीं पाओगे. डायरेक्ट आप ऐसे लगा नहीं सकते, तो बोथ द वेज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो आपको यहाँ पे सहूलियत के लिए देना चाहिए था एक ड्रॉपर जो कि यहाँ पे मिसिंग है, या फिर एक एप्लीकेटर इन एनी वेज. तो दोनों चीजें यहाँ पे नहीं है, दैट्स वन. सेकेंड नंबर है इसका शेड अवेलेबिलिटी. नाउ शेड यहाँ पे आपको सिर्फ 4 ही मिलते हैं. आपको अभी मेरे स्किन के लिए भी ये वाला, दिस वॉज नॉट द परफेक्ट शेड, लेकिन अगर मैं दूसरा लेती तो इट वुड हैव बीन अ बिट डार्कर फॉर माई स्किन टोन.
तो मतलब आपको आपके लिए शेड नहीं मिल पाएगा ढंग से, तो दैट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि डीप स्किन टोन के लिए कोई शेड ही नहीं है. तो आपको कंसिडर करना चाहिए इस चीज को, लैक्मे वालों प्लीज ध्यान दीजिएगा. नंबर थर्ड, इट इज नॉट एट ऑल बिल्डेबल, मतलब आप इसकी कवरेज को बिल्ड ही नहीं कर सकते. आप एक लेयर इसको लगा सकते हो, अच्छे से आपकी स्किन पे सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा. जैसे ही आप इसकी सेकेंड लेयर अप्लाई करते हो, क्योंकि इसमें कवरेज नहीं है तो हर कोई बंदा ट्राई करेगा ही इसका मैक्सिमम यू नो यूज करने का, तो सेकेंड लेयर अप्लाई करते ही ये बिल्कुल सेपरेट होने लग जाता है आपकी स्किन से, जो पैची बना देता है, तो इट इज नॉट बिल्डेबल. फोर्थ, कवरेज बिल्कुल शेयर है इसकी, मतलब एट दिस प्राइस पॉइंट जो कि है 500 रुपीज, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एटलीस्ट अ लॉट मोर देन दिस, क्योंकि आपको क्वांटिटी मिल रही है कम जो कि 18 ml फॉर दिस प्राइस, और आपको क्वालिटी एज इन कवरेज भी आपको नहीं दे रहा है, तो मतलब आप कहाँ जस्टिफाई कर पा रहे हो इस प्राइस के साथ में ये वाला फाउंडेशन. अगर हम बात करें इसकी कंपेटिटर्स की, तो मतलब आप यहाँ पे इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन ले लीजिए, वो बहुत अच्छा काम करता है फॉर लाइक यू नो हाफ ऑफ दिस प्राइस. तो मतलब यहाँ पे इस प्राइस के साथ में कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो पाया. फाइनल वर्डिक्ट पे चलते हैं अगली फुटेज में. मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगी इस फाउंडेशन को एट दिस प्राइस जो कि है 500 रुपीज फॉर 18 ml. आई मीन जस्ट फॉर दिस प्राइस इसका फॉर्मूला बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता. आई रियली डिड नॉट लाइक द फाउंडेशन. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपके लिए वाला रिव्यू वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा और ये वाला वीडियो काफी हेल्पफुल. अगर आपको ये वाला वीडियो रियली पसंद आया, आपको करना है इस वीडियो को लाइक. मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं. एक और चीज, लैक्मे 95 नेचुरल रेंज के जो भी प्रोडक्ट्स आप चाहते हैं मुझे रिव्यू करना, उनको प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में आपके यू नो कॉमेंट में छोड़िएगा, ताकि मैं प्रायोरिटाइज कर पाऊँ कि मुझे पहले किसका करना है और बाद में किसका, मेरी हेल्प हो जाएगी. सो प्लीज डू दैट. एंड दैट्स ऑल. आई सी यू सुपर सुपर सून विद माई न्यू वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.